रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक 7 मार्क्स के लिए है बच्चों। और आने वाला टॉपिक 7 मार्क्स को है तो इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो चलो हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड और बहुत आसान टॉपिक है, इसी टॉपिक में से हमें 7 मार्क्स लेना है बच्चों। तो चलो शुरुआत करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? तो सर्कुलेशन यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, फिर जितने भी इम्पोर्टेंट आयंस और जितने भी इम्पोर्टेंट एनर्जेटिक्स वहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उन्हीं को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना, उसे हम सर्कुलेशन कहेंगे। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड के माध्यम से चलता है बच्चों, लिक्विड के माध्यम से चलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे या फिर सर्कुलेशन कहेंगे, ठीक है। अब हम सबको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, और यही एनर्जी कंप्लीट करने के लिए या फिर वो एनर्जी लेने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप की प्रोसेस करता है, और उसी के अंदर हमें रेस्पिरेशन एक प्रोसेस दिखाई देती है। तो जितने ऑर्गेनिज्म से उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब बच्चों लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या है? तो लाइफ प्रोसेस के अंदर हमें बहुत सारे वहाँ पर एक्टिविटीज़ दिखाई देते हैं, जिस एक्टिविटीज़ के अंदर हम बता सकते हैं जैसा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जैसा और हम बता सकते हैं रेस्पिरेशन तो होता ही है, उसके बाद सर्कुलेशन ही होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे एक्टिविटीज़ वहाँ पर होते हैं जो लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन भी हम उसके अंदर देखते हैं। तो इतने सारे एक्टिविटीज़ वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। अब देखो, जो एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर होती है बच्चों, वो एनर्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होने वाली एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे बॉडी के अंदर है, तो उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमें एनर्जी दिखाई देती है। अब इसी एनर्जी को ऑर्गेनिजम्स क्या करता है? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जब ऑर्गेनिज्म उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, इसका मतलब यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तो इसी कन्वर्जन के प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। मीन्स रेस्पिरेशन जो है वो क्या है? तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट्स इनटू सिंपल फॉर्म, ये हम सीधा सीधा बता सकते हैं। तो उसके बाद हमें रेस्पिरेशन के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन दी है। रेस्पिरेशन जो बायोकेमिकल प्रोसेस है बच्चों, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल फॉर्म में आता है, ठीक है। और जो सिंपल फॉर्म में आता है तो उसी को हम केमिकल एनर्जी भी कहते हैं, और उसके साथ सिंपल फॉर्म में आने के साथ केमिकल एनर्जी दिखाई देती है। यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसी से एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे। जो आने वाली एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में, फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी रिएक्शन हमें दी है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन यानी कि C6H12O6+ oxygen induces formation of कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है प्लस वाटर मॉलिक्यूल, और दोनों भी सिंपल फॉर्म में है, और उन्हीं से एनर्जी रिलीज हो रही है जो एटीपी के फॉर्म में है। तो ये टोटल रिएक्शन जो हो गई, ये यहाँ पर हम रेस्पिरेशन के लिए बता सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर सीधा गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज जो चलता है तो उसी के बेसिस पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, और जो गैसेस एक्सचेंज चलेगा तो वो प्लांट के अंदर हमें देखना है, और ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी देखना है, और कुछ एनिमल्स के अंदर भी देखते हैं। तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन बच्चों जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनवायरमेंट इन्हीं के अंदर ही हो रहा है। तो इसी गैसेस एक्सचेंज के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स वहाँ पर दिए हैं। यहाँ हम देखते हैं, देखो, द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। मीन्स ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में गैसेस का एक्सचेंज चलता है, ठीक है, ये सिंपल सी बात होगी। लेकिन जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो वो कहाँ से हो रहा है? तो वो होता है रेस्पिरेटरी सरफेस से। ये बात हमें एग्जाम के दौर पर याद रखना है, गैसेस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सरफेस से होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से होता है, और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर से भी होता है बच्चों, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। शुरुआत करते हैं हमारे पॉइंट के साथ, टॉपिक की। अब देखो जो पॉइंट दिया है वो है ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। यहाँ पर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के ऑर्गन्स कौन से हैं?
और वही ऑर्गन्स को हमें देखना है, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करने वाली जो ऑर्गन्स है, उन्हीं ऑर्गन्स को देखने के समय हमें रेस्पिरेटरी एक्सचेंज क्या होता है ये पता करना जरूरी है। तो वो एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है बच्चों। इसी सिंपल फिजिकल प्रोसेस में गैसेस तो एक्सचेंज होता है और वो गैसेस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सरफेस से चलता है। उसी के कुछ फीचर्स होते हैं। जो फर्स्ट वाला फीचर है वो है इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, उसके पास लार्ज सरफेस एरिया है। देन इट शुड बी थीन हाईली वस्कुलर, थीन भी है और हाईली वस्कुलर भी है, एंड परमिएबल टू ऑल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जितने भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं उनके लिए वो परमिएबल सरफेस है। और फाइनली बच्चों यहाँ पर देखो इट शुड बी मॉइस्ट, वो मॉइस्ट भी होता है। तो सिंपल सी बात है, ये गैस सरफेस है, ये इसी के अंदर कुछ कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि थीन है बच्चों। तीन के बाद हम और एक बात बता सकते हैं, इन्हीं के अंदर हमें वेसल्स दिखाई देते हैं जिसे हम ब्लड वेसल्स वगैरह कह सकते हैं, जो हाईली वास्कुलर नेचर है। और बाहर के पार्टी जो भी गैसेस है उन्हीं को अंदर लाने के लिए ये परमिएबल है। तो इतने कैरेक्टर्स उसी के अंदर हमें दिखाई देते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो तीनों हमें याद रखना है एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो चलते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। बच्चों प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस प्रकार से चलता है, सिंपल सी बात है। देखो प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज चलेगा तो वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के साथ चलेगा। जो स्ट्रक्चर प्लांट के अंदर डेवलप हुआ है उसी स्ट्रक्चर से गैसेस का डिफ्यूजन होता है। और जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, या फिर जो भी हायर प्लांट्स है बच्चों, इन सभी हायर प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो एटमोस्फियर टू प्लांट होता है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और वो स्ट्रक्चर लीफ के ऊपर होता है, वही स्ट्रक्चर स्टेम के ऊपर होता है, और अलग तरीके का स्ट्रक्चर रूट के ऊपर होता है। यानी कि हर प्रकार का स्ट्रक्चर वहाँ पर है जो गैसेस एक्सचेंज करता है। अब इसके अंदर देखो गैसेस एक्सचेंज जो चलता है वो कंटिन्यूअस तो है, उसके बारे में कोई टेंशन नहीं, लेकिन गैसेस एक्सचेंज जो चलता है वो ऑक्सीजन का भी चलता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का भी चलता है, और उसके बाद नाइट्रोजन का भी वहाँ पर चलेगा। तो इसी तरह से बहुत सारे गैसेस हैं जो एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए लीफ के ऊपर एक स्मॉल पोर दिखाई देता है, उसे स्टोमेटा कहते हैं। इसी स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज चलता है। स्टोमेटा लीव्स के ऊपर होते हैं बच्चों, और स्टोमेटा यंग स्टेम के ऊपर भी होते हैं। उसके बाद और एक बात हम यहाँ पर बता सकते हैं, गैसेस एक्सचेंज अगर स्टेम से हो रहा है तो वहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जो स्ट्रक्चर जिसे हम लेंटिसेल के नाम से जानते हैं। तो लेंटिसेल भी क्या होती है हम थोड़ी देर में देखने वाले। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर वेपर से वो डिफ्यूजेस होते हैं और एयर के अंदर भी आते हैं, और एयर के अंदर प्रेजेंट रहने वाला प्लांट के अंदर भी जा सकता है। उसके बाद सॉइल के अंदर भी डिजॉल्व स्टेट में हमें ऑक्सीजन मिलेगा, सॉइल के अंदर हमें मॉइस्चर स्टेट में भी कुछ गैसेस मिलते हैं, और जो गैसेस रूट के अराउंड में प्रेजेंट होते हैं वाटर के साथ, तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए रूट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आने वाले गैसेस सीधा एंटर होते हैं कहाँ पर, रूट के सेल के अंदर। तो रूट के ऊपर भी वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज करने के लिए स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है बच्चों। उसके बाद देखो हमें फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो थोड़ा वुडी स्ट्रक्चर है, तो उसको हम ट्री और श्रब भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर वुडी है उसे एक्सटर्नल एरिया के पास या फिर बार्क के ऊपर हमें गैसेस एक्सचेंज करने के लिए स्मॉल पोर दिखते हैं, और जो भी स्मॉल पोर्स है स्टूडेंट उसे लेंटिसेल कहेंगे। ये बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ही है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिया है, जो स्टोमेटा लीफ के इसी सरफेस से यहाँ पर लिए वाला है। अब इसी का स्ट्रक्चर जो देखा तो वो किस प्रकार से बच्चों, यहाँ पर स्टोमेटल पोर है, ये जो ओपनिंग है ये अपरिचर होगा बच्चों, या फिर इसे स्टोमेटल पोर भी हम कहेंगे। बाजू में ये गार्ड सेल है, इसे हम लेबल करेंगे गार्ड सेल है, ठीक है। गार्ड सेल के बाजू में हमें सब्सिडरी सेल्स दिखाई दे रहे हैं, सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। और सब्सिडरी सेल्स के बाद इतना स्ट्रक्चर होता है ये स्टोमेटा का है, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं अदर स्ट्रक्चर की तरफ, जो अदर स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर है, जिसे है हम स्टेम कहेंगे। स्टेम का स्ट्रक्चर दिया है, स्टेम के बार्क के ऊपर बच्चों हमें स्मॉल ओपनिंग्स दिखते हैं, इसी ओपनिंग को लेंटिसेल कहेंगे हम। ये लेंटिसेल्स भी गैसेस एक्सचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये बातें हमें यहाँ पर पता
चलते उसके बाद चलते हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की तरफ, यानी कि एनिमल्स के अंदर किस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स के अंदर तो हमने देखा, एनिमल्स के अंदर किस प्रकार से रेस्पिरेशन चलता है वो देखेंगे। एनिमल्स के अंदर अगर रेस्पिरेशन देखेंगे तो प्लांट्स के कंपेयर में जो एनिमल है स्टूडेंट, उन्हीं की रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स से डेवलप होने वाली है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन से डेवलप होने वाली सिस्टम वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज ईजिली कर सकती है। अब जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो प्लांट से एनिमल्स का डिफरेंट होता है, और एनिमल्स जो है वो डिपेंडिंग होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और उनके सराउंडिंग मीडियम के ऊपर भी वो डिपेंड होते हैं। उसके बाद देखो जो स्ट्रक्चर है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, और उसी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहेंगे। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो हम कहते हैं, और उसी ऑर्गन के ग्रुप को रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हम कह सकते हैं। हायर एनिमल्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है बच्चों, वो एसोसिएटेड होते हैं गैसेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से भी। मीन्स वहाँ पर तो गैसेस एक्सचेंज भी चलेगा, और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने की भी वहाँ पर प्रक्रिया होती है। तो इसी तरह से हमें कुछ एनिमल्स दिए हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, और उन्हीं के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिए हैं। यहाँ पर देखो प्रोटिस्टा, स्पॉन्जेस और सिलेंटिटास, ये ऑर्गेनिज्म दिए जिनकी हैबिटेट एक्वेटिक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रेस्पिरेशन करने का उन्हीं का रेस्पिरेटरी ऑर्गन या फिर सरफेस है। प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों, प्लेटफॉर्म में हमें प्लानेरिया दिया है, एनिलिड्स दिया है, एनिलिड्स के अंदर हम अर्थवॉर्म, नेरीज, लीच इन्हीं का एग्जांपल देखते हैं, और एम्फीबियंस दिए हैं, एम्फीबियंस के अंदर फ्रॉग का एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये भी एक्वेटिक नेचर दिखाते हैं, और सेमी एक्वेटिक भी नेचर उन्हीं का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो रेस्पिरेशन करेंगे, और जनरली उनका बॉडी सरफेस मॉइस्ट होता है, तो उसी से भी उन्हीं का सरफेस से ही रेस्पिरेशन चलता है। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गए आप सबके। उसके बाद हम चलते हैं इंसेक्ट्स की तरफ। अब इंसेक्ट्स क्या है बच्चों, ये सीईटी में पूछने का चांस है। ठीक है, इंसेक्ट की जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल है, हम सबको पता है, और उन्हीं का जो रेस्पिरेशन चलता है वो ट्रकियल ट्यूब से चलता है, और स्पायरेकल्स भी चलता है। ठीक है, उसके बाद हमें अर्किनॉइड्स दिए हैं, अर्किनॉइड्स के अंदर स्पाइडर, स्कॉर्पियंस का एग्जांपल है, और वो भी टेरेस्ट्रियल नेचर के हैं, और बुक लंग्स उन्हीं के पास डेवलप होते हैं। लिमलस का एग्जांपल दिया है जो आर्थ्रोपोडा से आता है, एक्वाटिक उन्हीं का हैबिटेट है, बुक गिल्स उन्हीं के पास प्रेजेंट है, उन्हीं से उन्हीं का रेस्पिरेशन चलेगा। उसके बाद एम्फीबियंस का भी एग्जांपल है जिसके अंदर टैडपोल्स लेते हैं, और फ्रॉग भी हम लेते हैं, सेलेमेंडर है, और नेव्स भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। एक्वेटिक तो उन्हीं का हैबिटेट है बच्चों, और एक्सटर्नल गिल्स उन्हीं के पास दिखाई देते हैं। देन हम फिश के बारे में देखते हैं। फिश तो एक्वेटिक है, ये हम सबको पता है, और इंटरनल गिल्स उन्हीं के पास होते हैं जो डिजॉल्व स्टेट का ऑक्सीजन वहाँ पर लेते हैं। रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, और मैमल्स भी है। वहाँ पर टेरेस्ट्रियल रहने की वजह से उन्हें लंग्स के साथ रेस्पिरेशन करना होता है, अगर लंग्स नहीं रहेंगे तो रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद टर्टल्स का एग्जांपल दिया है जो अंडर वाटर रहते हैं, और क्लोएका का एग्जांपल वहाँ पर उन्हीं के लिए क्या है, सपोर्टिव है रेस्पिरेशन के लिए। तो इतने सारे ऑर्गन्स है, और इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, और उन्हीं के हैबिटेट्स यहाँ पर दिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो आसान पॉइंट है और बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जो है हमारा पॉइंट नंबर आगे का, जिसे हम 8.2 कहेंगे। बच्चों इसी के अंदर हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना है। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर हमें एक क्वेश्चन आना ही है बच्चों, तो इसे हम थोड़ा डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से देखने वाले, और इसे अच्छी तरह से कंप्लीट भी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये दो प्रोसेस दिखते हैं, और वो चलते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज जो होता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से होता है, और ये लंग्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चलने वाली प्रोसेस है। यहाँ पर लंग्स का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। देन स्टूडेंट हम चलते हैं आगे के पॉइंट की तरफ। यहाँ पर देखो दिस आर द ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, मीन्स यहाँ पर ब्लड से ही ट्रांसपोर्टेशन चलता है, और ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ब्लड से लंग्स तक वहाँ पर गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और लंग्स से एटमोसफेयर में भी गैसेज जाते हैं, फिर एटमोसफेयर से लंग्स में आते हैं, लंग्स से फिर ब्लड के अंदर जाते हैं। तो इसी के लिए टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है बच्चों,
जिससे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम कह सकते हैं और उसके अंदर हम बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखो एक्सटर्नल लेयर्स है, नेसल कैविटी है, इंटरनल लेयर्स है, उसके बाद नेसोफेरिंग्स है, नोस है, थ्रोट है और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर उसी के अंदर दिए वाला है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है, जो लोअर है और जो लोअर रहने की वजह से उसे हम इंटरनल भी कह सकते हैं। तो इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उन्हीं के अंदर लैरिंग्स है, ट्रकिया है, ब्रोंका है, ब्रोंकियोल्स है और फाइनली लंग्स है बच्चों। तो इतने सारे वहाँ पर ऑर्गन्स दिखाई देते हैं जो दो सिस्टम में डिवाइड होते हैं, एक अपर और दूसरा लोअर। सिंपल सी डायग्राम दी है, डायग्राम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है बच्चों। डायग्राम हमें एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए निकालना है, इसे भूलना नहीं। जो हम वन शॉट डायग्राम लेक्चर जो ले रहे हैं या फिर डायग्राम प्रैक्टिस लेक्चर ले रहे हैं उसी को आपको देखना है। तो चलो देखो 3 मार्क्स के लिए डायग्राम आने वाली है। यहाँ पर देखो हमें नेजल कैविटी दिखाई दे रही है, उससे पहले हम नॉस्टिल देखेंगे, इसे 1 नंबर देंगे, इसे 2 नंबर। जो नॉस्टिल है वो एक्सटर्नल ओपनिंग है, इसे हम एक्सटर्नल लेयर कहेंगे, जो एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं और अंदर की तरफ पास करते हैं। उसके पीछे थोड़ा हमें नेजल कैविटी दिखती है, जो सेकेंड ऑर्गन है रेस्पिरेटरी। देन स्टूडेंट हमें उसके बाद लैरिंग्स का एरिया दिखेगा। लैरिंग्स से पहले हम फेरिंग्स को लेबल करते हैं। जो फेरिंग्स है वो कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, यानी कि माउथ से फूड आता है, इधर की तरफ से एयर आता है, तो दोनों को मिला के कॉमन पैसेज हम बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लैरिंग्स दिया है, लैरिंग जो साउंड बॉक्स है, ठीक है, साउंड बॉक्स है और ये हमारा 4th नंबर का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हमें ट्रकिया दिखाई देता है, जो विंड पाइप है और इसी विंड पाइप का आगे चलकर डिवीजन होता है, तो उसे हम ब्रोंकाई कहेंगे। यहाँ पर हम लेबल करेंगे ब्रोंकाई, ठीक है, तो इसे हम ब्रोंकाई कहेंगे बच्चों। इन्हीं ब्रोंकाई को डिवाइड होने के बाद एक राइट लंग्स की तरफ चलेगा, एक लेफ्ट लंग्स की तरफ चलेगा। जो राइट लंग के अंदर आएगा तो वो राइट ब्रोंकाई बन गया, जो लेफ्ट लंग के अंदर आ गया तो वो लेफ्ट ब्रोंकाई वहां पर बनता है। राइट लंग्स जो हमें दिया है वो कुछ इस तरह से है बच्चों, और जो लेफ्ट लंग दिया है वो कुछ इस तरह से, तो इसे हम क्या दिखाते हैं, लेफ्ट और राइट दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डायफ्राम भी दिया है, डायफ्राम के साथ यहाँ पर एल्वियोलर एरिया दिया है, जहाँ पर एल्वियोलाई प्रेजेंट है, जो एल्वियोलाई गैसेस एक्सचेंज को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर दिया है और इसी एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो ग्रेप बंच लाइक दिखाई देते हैं बच्चों, ठीक है, और वो एक्चुअल साइट है गैसेस एक्सचेंज की। एल्वियोलाई जो यहाँ पर ब्लड वेसल से इसके साथ गैसेस एक्सचेंज होता है और वहाँ पर आने वाला ब्लड भी प्योर होता है, तो ये हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दिखाया। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब नोज एक्चुअली क्या है, तो नोज जो है वो पेयर है, स्लिट है, लाइक ओपनिंग्स है और इसे हम एक्सटर्नल लेयर्स कह सकते हैं और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल भी कह सकते हैं। इन्हीं के अंदर एयर की एंट्री होती है और उसके बाद नेजल कैविटी दिखाई देती है। जो नेजल कैविटी है स्टूडेंट उसे हम डिवाइड करते हैं राइट और लेफ्ट नेजल कैविटी के, नेजल के अंदर, और राइट और लेफ्ट नेजल हमें दिखाएंगे देते हैं उसे हम नेजल चेम्बर कहते हैं, और इसी नेजल चेम्बर को डिवाइड करने के लिए मिस्थमोइड कार्टिलेज वहां पर प्रेजेंट है, और इसी मिस्थमोइड कार्टिलेज के बाद हमें आगे का रीजन दिखाई देता है जो 3 पार्ट में होता है। सबसे फर्स्ट वाला वेस्टिब्यूल है। अब वेस्टिब्यूल क्या है, तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट है बच्चों। अब प्रॉक्सिमल पार्ट है तो प्रॉक्सिमल पार्ट रहने की वजह से उसके अंदर स्किन का एरिया है और हेयर ग्रोथ भी वहाँ पर दिखाई देती है। वहाँ पर एयर फिल्ट्रेट होती है और एयर फिल्ट्रेट होने की वजह से जितने भी डस्ट पार्टिकल आते हैं वो ट्रैप होते हैं। डस्ट पार्टिकल ट्रैप होने के बाद वो सस्पेंड होते हैं वहाँ पर, और सस्पेंड होने के बाद एयर प्योर होकर अंदर जाती है, तो उसे हम इनहेल एयर कह सकते हैं। देन स्टूडेंट रेस्पिरेटरी पार्ट दिया है जिसे कंडीशनर्स कहेंगे, ठीक है। वहाँ पर हीट मेंटेन होती है। जो मिडल लेयर है और थीन वॉल्ड है, हाईली वास्कुलराइज्ड है, और उसके बाद जो वार्मिंग पार्ट होता है वो क्या करता है, आने वाले एयर को वार्म करता है और मॉइस्ट भी करता है, तो इसलिए इनहेल एयर के लिए वहाँ पर जो स्पेसिफिक टेम्परेचर लगेगा वो मेंटेन किया जाता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, एयर कंडीशनर भी कह सकते हैं। देन ऑल्फैक्ट्री और सेंसेसरी चेम्बर हमें दिया है। ऑल्फैक्ट्री और सेंसेसरी चेम्बर क्या है बच्चों, तो ये अपर मोस्ट पार्ट है
और ये लाइन होता है ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम से, ये डिटेक्शन करता है स्मेल, यानी कि स्मेल डिटेक्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इतना हमें नोज के बारे में पता चलता है। देन हम चलते हैं फैरिंग्स की तरफ। जैसे मैंने आपसे अभी कहा, फैरिंग्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो आगे का है उसे नेसोफैरिंग्स कहेंगे, और जो नेसोफैरिंग्स होता है वो अपर मोस्ट पार्ट होता है बच्चों, और अपर मोस्ट पार्ट तो है लेकिन ये नेचर चेम्बर के पास होता है, और यहाँ से ओरोपैरिंग्स भी फॉर्म होता है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कॉमन पैसेज जो एयर और फूड का है। आगे चलकर लैरिंगोफैरिंग्स बनता है, और लैरिंगोफैरिंग्स जो है वो नेसोफैरिंग्स एंड ओरोफैरिंग्स इन्हीं के बिटवीन का एरिया दिखाई देता है, और उसके बाद सीधा पैलेट भी वहाँ पर है। पैलेट को वो अलग तरीके से हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो डाइजेशन का है वहां पर। उसके बाद देखो फैरिंग्स जो है वो फैरिंग्स तो कॉमन पैसेज है, और फैरिंग्स के हमें कुछ सेट दिखाई देते हैं जो सेट होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स के, जिसे हम टॉन्सिल भी कहेंगे, उसके पास टॉन्सिल होते हैं। अब चलते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम की तरफ गए तो हमें थोड़ा समझ में आने वाला है। अब देखो यहाँ पर ये फैरिंग्स का एरिया है, आगे वाला होता है नेसोफैरिंग्स, ये नेसोफैरिंग्स हो गया, ये अभी इतना तो नहीं है लेकिन यहाँ से देख सकते हैं नेसोफैरिंग्स हो गया। उसके बाद देखो ये हो गया हमारा, यहाँ पर लैरिंगोफैरिंग्स है, और ये यहाँ का ओरोफैरिंग्स है बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह से हमें 3 पार्ट दिखाई देते हैं फैरिंग्स, इसे लेबल करते हैं यहाँ पर ओरोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, ठीक है, ये हो गया वहां पर हमें फैरिंग्स के बारे में। अब आगे चलते हैं तो नेक्स्ट पार्ट दिखता है, जो नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट है, जिसे लैरिंग्स कहेंगे। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स कहते हैं, जहां से साउंड हमारा जनरेट होता है, तो इसलिए हम उसे साउंड बॉक्स कहेंगे। उसके बाद देखो बच्चों ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है, लेकिन वहां पर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है, और वोकल कॉर्ड प्रेजेंट रहने की वजह से वहां साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, और साउंड तो प्रोड्यूस होता है, तो उसी एरिया को लैरिंगोफैरिंक्स के नाम से हम जानते हैं, जो हायोइड बोन के पास होता है, और हायोइड बोन के पास होता है तो ट्रकिया के भी कॉन्टेक्ट में वो हमें दिखाई देता है। हॉलो और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बच्चों, और कार्टिलेज से बना है, पैलेट के सपोर्ट से भी होता है, और वहां पर हमें मेम्ब्रेन दिखाई देता है जो हाईली वहां पर मसल्स का बना हुआ होता है। तो इसी तरह से हम उसे देखते हैं, तो इंटरनली जो होते हैं वो लाइन होते हैं, पेयर्स होते हैं, उन्हीं के अंदर कुछ फोल्ड्स होते हैं, इलास्टिक वोकल कॉर्ड भी दिखाई देते हैं, और इतना होने की वजह से वॉइस प्रोड्यूस हो सकता है, और वॉइस प्रोड्यूस होता है तो ये पैसेज जो है वो एयर और वोकल कॉर्ड इन्हीं के बीच में होता है, और वहां पर हमें मॉड्यूलेशंस क्रिएट किया हुआ नजर आता है। उसके बाद देखो हमें टंग का एरिया, टीथ का एरिया, लिप का एरिया और नेचर कैविटी का एरिया इसी से रिलेटेड दिखता है। देशरन लैरिंग्स जो है वो ओपन होता है लैरिंगोफैरिंक्स के अंदर, और लैरिंगोफैरिंक्स के अंदर ओपन होता है तो स्लीट लाइक ओपनिंग दिखाता है, जहां ग्लॉटिस होता है बच्चों। ग्लॉटिस के बाद इसी ओपनिंग को हम ट्रकिया की तरफ चलते हैं, तो वहां पर यानी कि वाइंड पाइप की तरफ चलते हैं, तो हमें लिप लाइक फ्लैप से उसे गार्डेड किया हुआ नजर आता है, तो वो एपिग्लॉटिस बन गया। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है फूड के एंट्री को, जो ट्रकिया की तरफ नहीं जाएगा। अगर फूड ट्रकिया की तरफ जाता है तो वहां पर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए क्या करता है, एपिग्लॉटिस सपोर्ट करता है। अब देखो यहाँ पर दिया है एपिग्लॉटिस का स्ट्रक्चर, देन हाइड बोन है जो आगे का एरिया है, और ये जो है वो लैरेंजियल जिसे हम प्रोमिनेंस कहेंगे, और अदम सैपल्स हम उसे कहते हैं। थायराइड कार्टिलेज है आगे की तरफ, और ट्रकियल कार्टिलेज है उसके नीचे की तरफ, तो ये पूरा लैरिंग्स का स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं ट्रकिया की तरफ। ट्रकिया क्या है, तो ट्रकिया विंड पाइप है। विंड पाइप यानी कि उसका मतलब क्या हो गया, जो एयर को पास करता है, और एयर को पास करने के बाद जो पाइप वहां पर आगे चलकर डिवाइड भी होता है। अब इसकी लेंथ कितनी दी है, ये है 10 to 12 centimeter बच्चों, ये याद रखना है, 10 to 12 centimeter उसकी लेंथ है, और ये नेक से स्टार्ट होता है और इसोफेगस के फ्रंट में होता है, और इतना होने के बाद सीधा चलता है मिडल थोरेसिक की तरफ, और वहां पर जाने के बाद आगे उसी को हम जो गार्डेड किया है वो सी शेप्ड कुछ कार्टिलेज सेल्स, कार्टिलेज स्ट्रक्चर ने भी गार्ड किया है, जिसकी वजह से उसी का प्रोटेक्शन होता है, और वो 16 to 20 होते हैं कार्टिलेज सेल,
और ये सॉरी सेल नहीं तो ये स्ट्रक्चर है कार्टिलेज, ये कार्टिलेज 16 to 20 है बच्चों। और 16 to 20 कार्टिलेज रिंग्स वहां पर प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रकिया, ट्रकिया को कोलैप्स करने के लिए वहां पर वो प्रिवेंट करते हैं, यानी कि वो कोलैप्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इट लाइंड बाय सिलिएटेड सुडोस्टैटिफाइड इपिथेलियम, उससे लाइन है, म्यूकस ग्लैंड से लाइन है, और क्या करता है, अनवांटेड पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट होते हैं लंग्स के अंदर एंट्री करने से, यानी कि लंग्स के अंदर उन्हीं पार्टिकल को जाने से रोकता है। तो ये हम विंड पाइप के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद हमें दिया है ब्रोंकाई का एरिया। अभी ब्रोंकाई क्या है बच्चों, तो ब्रोंकाई जो है वो ट्रकिया का डिवीजन दिखाई देता है, वहां से राइट और लेफ्ट पार्ट दिखते हैं, तो उसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहेंगे, और ये चलता है थोरेसिक कैविटी से आगे, और वहां पर हमें सीधा पता चलता है उसके पास कार्टिलेज रिंग जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, और राइट पार्ट में एक चलेगा, लेफ्ट पार्ट में एक चलेगा, आगे चलकर उन्हीं का डिवीजन होता है, उसे हम सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई के नाम से भी जानते हैं, और जो फाइनल होता है एल्विओलाई के लिए वो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होता है, और उसी को एल्विओलाई का कनेक्शन दिखाई देता है। ये सिंपल बात हमें यहाँ पर पता चलती है। अब चलते हैं लंग्स की तरफ। बच्चों लंग्स जो है बहुत सिंपल से, लंग्स का मतलब क्या होता है, तो लंग्स यानी कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम एयर बैग कहेंगे, और यही लंग मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारे बॉडी का, ठीक है। अब मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो ये पेयर के अंदर होते हैं, स्पॉन्जेस है, इलास्टिक नेचर है उन्हीं का, और इलास्टिक नेचर रहने की वजह से, डेलिकेट रहने की वजह से वो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब इसी लंग्स को डबल लेयर से कवर किया है, और उसे हम प्लूरा मेम्ब्रेन कहेंगे। जो आउटर है वो पैराइटल प्लूरा मेम्ब्रेन रहेगा, जो इनर है वो विसरल मेम्ब्रेन रहेगा, जिसे हम इनर विसरल कहेंगे, और इन दोनों को जब देखते हैं तो दोनों के अंदर हमें प्लूरा जो है वो फ्लूड दिखाई देता है, और ये फ्लूड लुब्रिकेंट्स लाइक वर्क करता है, मैकेनिकल शॉक भी एब्सॉर्ब करता है बच्चों, तो उसे हम प्लूरल फ्लूड कह सकते हैं। उसके बाद और एक बात यहाँ पर पता चलती है, लंग्स जो है वो लंग्स हमें जनरली राइट और लेफ्ट इसी तरह से दिखाई देते हैं। जो राइट लंग होता है बच्चों वो लार्जर होता है, और उन्हीं के अंदर हमें 3 लोब्स दिखाई देते हैं, और जो लेफ्ट लंग होता है वो स्मॉलर होता है, उन्हीं के अंदर हमें 2 लोब्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ईच लंग्स के अंदर हमें टर्मिनल ब्रोंकियोल्स भी दिखाई देते हैं, और वहां पर हमें कुछ बंच और एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिसे हम एल्विओलाई कहेंगे, जो 10 to 12 एल्विओलाई है बच्चों, ठीक है। अब इतना तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ये मेन स्ट्रक्चर था जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का था। उसके बाद चलते हैं एल्विओलाई की तरफ। अब एक्चुअली एल्विओलाई क्या है, तो एल्विओलाई जो है वो थिन वॉल्ड लोबुलेटेड स्ट्रक्चर है, और ये बंच के फॉर्म में दिखाई देते हैं, जैसा कि ग्रेप बंच हम उसे कह सकते हैं। उसके बाद देखो, एल्विओलो जो है वो सराउंडेड में नेटवर्क के फॉर्म में जो भी कैपिलरीज आते हैं, तो वो पूरे नेटवर्क कैपिलरीज इन्हीं के कांटेक्ट में होते हैं। वहां पर पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन का नेटवर्क दिखाई देता है, और हाईली इलास्टिक वॉल रहने की वजह से ये सिंगल लेयर भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। स्क्वाइमोज एपिथेलियम सेल से उनका लेयर बनता है, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई देगा, और कनेक्टिव टिश्यू भी दिखाई देता है। इतना होने के बाद हमें 700 million एल्विओलाई मिलते हैं लंग्स के अंदर, जो प्रोवाइड करते हैं सरफेस एरिया गैसेस एक्सचेंज को, ठीक है। अब उसके बाद चले गए हम डायफ्राम की तरफ। डायफ्राम जो बहुत आसान पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है, जिसी की वजह से जो हमारे लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, उन्हीं के अंदर जो भी नेचर है पंपिंग का, और हार्ट के अंदर जो भी पंपिंग का नेचर है वो थोड़ा इसी डायफ्राम के सपोर्ट से डेवलप होता है। जो हाईली मस्कुलर सेप्टम है बच्चों, थोरेसिक एब्डोमिनल कैविटी से रिलेटेड है, और डोम शेप्ड है, जो कॉन्ट्रैक्शन और फ्लैट भी खुद को कर सकता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म किस प्रकार से चलता है वो हमें देखना है। इतना सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर देखो, मैकेनिज्म जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है बच्चों। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो उसी के अंदर गैसेस एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। गैसेस जो आते हैं वो एटमोस्फेयर से आते हैं, और एटमोस्फेयर के अंदर लंग्स से जाते हैं, तो इसी रिजल्ट को हम क्या कहेंगे, मैकेनिज्म कहेंगे। और यही मैकेनिज्म हमें बताना है, जिसके रिजल्ट में हमें एटीपी मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने की वजह से हमें इसे बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहना चाहिए। इसके अंदर हमें
फोर डिफरेंट स्टेजेस दिखते हैं। जो फर्स्ट है जिसे हम ब्रीथिंग कहेंगे, देन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी तरह से फोर स्टेप्स हमें वहां पर दिखते हैं बच्चों। हो गया इतना, अब देखो आगे चलेंगे। अब इंस्पिरेशन प्रोसेस क्या है? इंस्पिरेशन यानी कि एयर जो है वो अंदर आ रही है, इनटेक कर रहे हैं हम एयर। अब एयर अंदर आ जाएगी तो सिंपल सी बात है, जितने भी रिब्स है और जो रिब केज बनता है वो अपवर्ड फॉरवर्ड मूव हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। जो है वो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है और एयर्स जो है राइज होती है अंदर के साइड को। तो जो डायफ्राम है उसी की मूवमेंट नीचे की तरफ दिखाई देती है, ये होता है। उसके बाद हम एक्सपिरेशन देखेंगे तो उसे हम ब्रीथिंग आउट कहते हैं और ब्रीथिंग आउट के अंदर रिब्स जो है और या रिब केज भी है वो मूव डाउन होता है इनवर्ड साइड को और उसकी वजह से डायफ्राम अंदर की तरफ हमें मूव होता हुआ नजर आता है। ये इतना सब कुछ हो गया बच्चों। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की तरफ, जिसे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहेंगे। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चलेगा वो एल्वियोलर लेवल पे चलेगा, ठीक है। अब देखो एल्वियोलर जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने वाली साइड है। इसी के अंदर हमें कुछ लेयर्स को देखना है, जो लेयर सिंपल स्क्वाइमोज एपिथेलियम सेल से बने हुए। अब जो रिजल्ट है वो बेसमेंट रेल का भी वहां पर होता है और वहां पर हमें बेसमेंट लेयर या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन हम उसे कहेंगे, इन सभी को देखना है। इनिशियली ये क्या है, कैपिलरी नेटवर्क से एसोसिएटेड है और कैपिलरी वॉल जो है वो स्क्वाइमोस एपिथेलियम सेल और वहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी रिलेटेड होते हैं। ये हमारे समझ में वहाँ पर आने वाला है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों लेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे और लेयर का स्ट्रक्चर देखने की वजह से हमें पता चलता है वो थीन है और वहाँ पर एक्चुअली रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक। उसके बाद देखो एल्वियोलर जो एयर है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज होती है और ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहने वाला कार्बन डाइऑक्साइड वो एल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूज होता है। तो ये पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड होता है बच्चों और वहां पर जो एपिथेलियम मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, वो इक्विलिब्रियम के बेसिस पर वर्क करते हैं। अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पार्शियल प्रेशर क्या बता सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के अंदर एंटर होता है और पल्मोनरी कैपिलरी जो है वो 45 mmHg जो पार्शियल प्रेशर बताते हैं वहां पर। देन एयर जो है वो 40 mmHg है और 40 mmHg से जो एयर वहां पर आ रही है तो उन्हीं एयर को एल्वियोला के अंदर हम देखते हैं। अब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है कैपिलरीज के अंदर, जो भी ब्लड था वो सीधा एल्वियोला के अंदर आता है और एल्वियोला का जो भी ऑक्सीजन है वो अंदर चले जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो प्रेशर हमें पल्मोनरी कैपिलरी के साथ देखना है। तो 40 mmHg प्रेशर वहां पर हमें दिखाई देता है और जो एल्वियोलर ब्लड का है वो 104 mmHg है। इसकी वजह से ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है कैपिलरी के अंदर, ये सिंपल सी बात हमें पता चलती है। अब यहाँ पर हमें सिंपल डायग्राम दिया, डायग्राम के अंदर देखो सबसे फर्स्ट क्या दिया है हमें, हमें सबसे फर्स्ट यहाँ पर दिया है एल्वियोलर सैक, यानी कि ये सैक है, यहाँ पर एयर आने वाली है। इधर के साइड से एयर अंदर आ रही है, इधर के साइड से एयर बाहर जा रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रहा है, ऑक्सीजन इन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें RBC दिए है जिसे हम ब्लड सेल्स कहेंगे और ये जो ब्लड है ये प्योर फॉर्म में, यानी कि इसी के साथ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स होता है, O2HB और RBC भी उसके साथ है, तो ये कॉम्प्लेक्स वहाँ बनता है, तो यहाँ पर प्योर ब्लड दिखाई देता है। अब आने वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पर डिफ्यूज हो गया और इन प्योर ऑक्सीजन RBC के साथ जो ऑक्सीजन कम रहने वाला ब्लड था उसके साथ मिक्स हो गया और ये प्योर होकर आगे चलेगा। अब यहाँ पर देखो ये कैपिलरी है पूरी, यहाँ से यहाँ तक दी वाली हमें कैपिलरी के बाद हमें एल्वियोलर मेम्ब्रेन दिखाई देता है जो यहाँ का एरिया है। एल्वियोलर मेम्ब्रेन के बाद हमें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, जिसके अंदर हमें एल्वियोलर मेम्ब्रेन तो दिखाई देता है और उसके बाद जो यहाँ का स्ट्रक्चर है, जो सरफेस एरिया है, वो दोनों भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी कि ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर हम दोनों को इन्वॉल्व करते हैं। सरफेस फ्लूइड जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है और इसके बाद ऑक्सीजन डिफ्यूजन का जो भी चल रहा है वो RBC के साथ चल रहा है बच्चों, और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है एल्वियोलस के अंदर, ये हम बता सकते हैं। तो ये मेकेनिज्म बन गया, ये डायग्राम हम निकाल सकते हैं एग्जाम में। अभी तक डायग्राम कुछ नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन देना है तो डायग्राम देना ही है हमें, ठीक है। अब चलते हैं ब्रीथिंग की तरफ, जो ब्रीथिंग हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो रेस्पिरेशन कर सकता है। अभी देखो
ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है, और गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो एटमोस्फेयर टू लंग चलता है, और इसी के अंदर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं। दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो थोरेसिक के जो है रिब्स जो है और स्टेर्नम है, इंटरकोस्टियल मसल्स जो है बच्चों और डायफ्राम है, इन्हीं के अंदर हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। इंस्पिरेशन क्या होता है? तो इंस्पिरेशन यानी कि एटमोस्फेयर एयर को इनटेक करना और उसे लंग्स के अंदर लेना। जब एयर लंग्स के अंदर आती है तो वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होता है, और प्रेशर ग्रेडियंट के वजह से एटमोस्फेयर और लंग्स इन्हीं के अंदर एयर का एक्सचेंज चलता है। उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है डायफ्राम, जो डायफ्राम प्रेशर जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फ्लैट होते हैं डायफ्राम तो डाउनवर्ड साइड को मूव होते हैं, और इंटरकोस्टियल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और रिब्स स्टेनम अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन को मूव होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है, प्रेशर जो है थोरैक्स में एंड लंग्स में वो भी वहां पर हमें डिक्रीज हुआ हुआ नजर आता है। उसके बाद इक्विलाइज अ लो प्रेशर इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर लो प्रेशर इक्विलाइज होता है, और एयर जो है एटमोस्फेयर की वो रशेस होती है लंग्स के अंदर, और इसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद एक्सपिरेशन दिया है बच्चों। एक्सपिरेशन क्या होता है? एक्सपिरेशन यानी कि एयर को आउटसाइड को एक्सपेल करना। तो ये थोरेसिक कैविटी के ऊपर इफेक्ट करता है, वहां पर एक्सेल हम से कह सकते हैं, उसके अंदर डायफ्राम इन्वॉल्व होता है, डायफ्राम पुश आउट करता है, और डायफ्राम पुश आउट होने की वजह से वहां पर उसका डोम शेप दिखाई देता है। डोम शेप होता है तो इंटरकोस्टियल मसल रिलैक्स होते हैं और पुलिंग करते हैं रिब केज को, रिब केज इनवर्ड साइड को आएगी और डाउनवर्ड साइड को थोड़ा मूव होते हैं। इसकी वजह से जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो थोड़ा डिक्रीज होता है, और वहां पर प्रेशर इंक्रीज होता है लंग्स के अंदर, थोरैक्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है उसके कंपेरिजन में प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज होने वाला है, तो सीधा सीधा एयर गिवर आउट होती है, उसे हम एक्सपायरेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन दोनों भी हम देखते हैं तो ब्रीथ कंप्लीट होता है बच्चों। देखो ना यहाँ पर सीधा सीधा इंस्पिरेशन के डायग्राम दिए, जो एयर अंदर आ रही है इंटरकोस्टियल मसल्स के अंदर चेंज दिखाई दे रहा है, डायफ्राम नीचे की साइड को हमें थोड़ा डाइवर्ट हुआ हुआ नजर आता है। तो इसका मतलब वहां पर क्या हो गया, जो एरिया है थोरैसिक कैविटी का थोड़ा ब्रॉड हो गया है। एक्सपायरेशन होता है तो एरिया थोड़ा डिक्रीज होता है और सीधा डायफ्राम अंदर की तरफ मूव होता है और ये आउट होते हैं, तो ये हमें वहां पर पता चलते हैं। ठीक है, अब चलो थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमें दिखता क्या है बच्चों? तो आगे चलने के बाद सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखता है, जो स्ट्रक्चर हमें देखना है। अभी यहाँ पर थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? इसी के अंदर टू प्रोसेस है और वहाँ पर टू कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, एक ब्लड होता है और दूसरा होता है जो, अभी यहाँ पर देखो टू मेन कंपोनेंट्स है जो ब्लड्स के अंदर होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करना बहुत जरूरी है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, तो उसे हम रेस्पिरेटरी गैसेस कहेंगे। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन्हीं को हम इन्वॉल्व करते हैं, और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों ऑक्सीजन जब ट्रांसपोर्ट होता है तो जितना भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है तो उनमें से 3% जो है वो डिजॉल्व स्टेट में होता है प्लाज्मा के अंदर, और जो 97% है वो बाउंडेड है स्टूडेंट हीमोग्लोबिन के साथ, ये हमें याद रखना है, और वो आरबीसी के पास होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन बाइंड हो गया, आरबीसी भी बाइंड होते हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। ये आरबीसी बन गए, ये हो गए एचबी, और ये होता है बच्चों एचबी के साथ O2। तो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इस फॉर्म में हमें वो दिखाई देता है। अब रेस्पिरेटरी कैरियर्स हम उसे कहेंगे जो कैरी हो सकता है और ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में रहता है, उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम कहेंगे। यहाँ पर बेसिकली हमें एचबी के मॉलिक्यूल्स दिखते हैं और 4 आयन्स वहाँ पर प्रेजेंट होना जरूरी होते हैं। अब रिएक्शन क्या है, एचबी प्लस 4O2 एचबी 4O2 वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फिर से टिश्यू के अंदर आने के बाद वो डिसोसिएट होता है और एचबी 4O2 से फिर एचबी और 4O2 हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब जो सैचुरेशन है एचबी का वो O2 पे डिपेंड करता है, और O2 टेंशन वहाँ पर पी
PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर O2 बनाता है। ये 100% सैचुरेशन जो है वो रेयर रहता है। मैक्सिमम सैचुरेशन 95-97% होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ द PO2 एल्यूओलाई के अंदर 100 mmHg होता है। जो यहाँ पर डिग्री दी है वो सैचुरेशन की, तो वो डिक्रीजेस होती है ड्रॉप ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर अगर ड्रॉप हो जाएगा तो वो जो सैचुरेशन डिग्री रहेगी वो भी कम होती हुई नजर आती है। देन स्टूडेंट डिसोसिएशन चलता है तो HbO2 भी वहां पर दिखना जरूरी होता है। 30 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो ओनली 50% सैचुरेशन मेंटेन कर सकता है। और जो रिलेशनशिप दी है वाली है बिटवीन द HbO2 सैचुरेशन एंड ऑक्सीजन टेंशन PPO2, इसे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कह सकते हैं। और यही ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो सिग्मोइड कर्व है बच्चों। इसी सिग्मोइड कर्व को हम शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट देखते हैं इसकी, तो वो राइट साइड को हमें दिखाई देती है, यानी कि इंक्रीज होता है हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ते जाता है और DPG जो है वो 2,3-diphosphoglycerate हम उसे कहेंगे वो फॉर्म होता है। ये फॉर्मूला एक बार RBC जो है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के समय वहाँ पर हमें दिखाई देती है और यहाँ पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी भी लो होती है, तो ये बात हम बता सकते हैं। उसके बाद बोर्स इफेक्ट ये वाला है। बोर्स इफेक्ट क्या है, इसे हम क्या कह सकते हैं, तो बोर्स इफेक्ट जो है बच्चों वो इट इज द शिफ्ट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू चेंज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो पार्शियल प्रेशर है उसी की शिफ्ट यहाँ पर दिए वाली है, जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के बेसिस पर दिखती है। देन स्टूडेंट हेल्डन इफेक्ट दिए वाला है। हेल्डन इफेक्ट क्या बताता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन फंक्शन एज एन एसिड इट डिक्रीजेस pH ऑफ ब्लड। वो क्या करता है, ब्लड का pH डिक्रीज करता है और ड्यू टू विच इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के नंबर्स वहाँ पर बढ़ते हैं और HCO3 चेंज होता है H2O और CO2 के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सी बात हमें यहाँ पर पता चलती है। अब इसी प्रोसेस के अंदर देखो इन्वॉल्व होते हैं एल्विओलाई, उन्हीं के अंदर का पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो भी होता है, पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी इन्वॉल्व होता है, और पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो लो रहेगा तो ऑक्सीजन बाइंड हो सकता है और हीमोग्लोबिन जो है टिश्यू के अंदर का वो भी बाइंड होता है। तो पार्शियल प्रेशर अगर लोअर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का तो हाई कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रहेगा तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, वहाँ पर डिफ्यूजन जो होता है वो सेल के अंदर दिखाई देता है। तो ये सिंपल बात हम वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ने के बाद हमें देखना है कर्व, बोर्स इफेक्ट कर्व क्या होता है। तो सीधा यहाँ पर हम कर्व की तरफ चलते, ये HP है, परसेंटेज O2 कॉन्सेंट्रेशन के अंदर दिए वाला है और O2 भी इसी के साथ सैचुरेशन बताता है। ठीक है, यहाँ पर सिग्मोइड कर्व मिल रहा है ऐसा, इस तरह से ये शेप का कर्व हमें मिलता है और लंग्स एल्विओलाई का ये हमें क्या दिया है, ऑक्सीजन mmHg के अंदर दिया है पार्शियल प्रेशर। तो हाई कार्बन डाइऑक्साइड लो pH है, यहाँ पर नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल pH है और लो कार्बन डाइऑक्साइड हाई pH दिए वाला है, जो बॉडी टिश्यू के साथ हमने कंपेयर किया है। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट सीधा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब ट्रांसपोर्ट होता है तो जनरली वो सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर और उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं RBC, और प्लाज्मा भी उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। अब प्लाज्मा के अंदर ये जो है 7% हमें सॉल्यूशन के फॉर्म में दिखेगा, 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद कार्बोनिक एसिड वहाँ पर ब्रेक डाउन होता है और CO2 एंड H2O हमें दिखाई देता है। यहाँ पर देखो CO2 एंड H2O है तो HCO3 ये हमें मिल गया। उसके बाद बाइकार्बोनेट आयंस दिए वाले जो 70% है बच्चों, तो यहाँ पर 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है वो टिश्यू लेवल से होता है और वहाँ पर प्लाज्मा डिफ्यूजेस होता है और RBC भी वहाँ पर क्या करते हैं, उसी डिफ्यूज होने के बाद प्लाज्मा डिफ्यूज होने के बाद RBC उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब RBC एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाता है, वाटर जो है वो प्रेजेंस होता है और जिंक वहाँ पर कंटेन होना जरूरी होता है जो एंजाइम्स के साथ होते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज दिखाई देता है एंजाइम, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो रिएक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसी रिएक्शन की वजह से हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिलेगा और RBC जो है वो प्लाज्मा के अंदर नहीं दिखाई देता है। तो ये सिंपल सी बात यहाँ पर पता चलती है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो
जो रेट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड का इनसाइड टू द आरबीसी वो लो होता है, और इसी के कंपेयर में प्लाज्मा में वो थोड़ा ज्यादा भी रहता है। ठीक है, अब देखो कार्बोनिक एसिड जो है वो कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है और इमीडिएटली डिसोसिएट होता है, और एच सी ओ थ्री और एच प्लस जो है वो एंजाइम के प्रेजेंस में फॉर्म होते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर रिएक्शन दी है सी ओ टू प्लस एच टू ओ सी ए यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक एनहाइड्रेट एच एच सी ओ थ्री हमें रिवर्सिबल रिएक्शन दी है। इसी मोमेंट को जब हम देखते हैं तो ये आर बी सी के साथ दिखाई देती है और यहाँ पर इनबैलेंस होता है, जो इनबैलेंस रिस्पॉन्सिबल होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए और कॉम्प्लेक्स को वहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए भी। अब देखो आरबीसी जो है वो मेंटेन करते हैं आयनिक बैलेंस, और जो आयनिक बैलेंस मेंटेन होता है वो क्लोरीन डिफ्यूजेस से होता है, और ये जो मोमेंट चलती है वो क्लोराइड आयन्स की, वो मोमेंट क्लोरीन शिफ्ट या फिर क्लोराइड शिफ्ट के नाम से हम बता सकते हैं, उसे हम हैम्बर्गर फिनोमिना के नाम से भी जानते हैं। एच सी ओ थ्री दिया है बच्चों, एच सी ओ थ्री जो है वो क्या होता है, एच सी ओ थ्री कम्स होता है इन टू द प्लाज्मा एंड ज्वाइन होता है सोडियम पोटेशियम के साथ, और सोडियम पोटेशियम के साथ ज्वाइन होने के बाद एन ए एच सी ओ थ्री के एच सी ओ थ्री हमें मिलता है, और जो पी एच है वो ब्लड के अंदर का मेंटेन रहता है। ठीक है, एच सी ओ थ्री जो है अभी यहाँ पर रिएक्शन के तौर पर बताते हैं, तो एन ए एच सी ओ थ्री सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, एच प्लस जो होता है उसी के साथ यहाँ पर एच एच बी यानी कि रिड्यूस्ड एच बी वहाँ पर दिखाई देता है। एच प्लस आयन बच्चों माइट एक्सपेक्टेड टू लोअर ब्लड पी एच, लोअर ब्लड पी एच की तरफ वो माइट एक्सपेक्टेड होता है, और दैट आर बफर्ड बाय द हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन के साथ बफर्ड होता है, फॉर्म करता है डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इतना तो हो गया, उसके बाद हमें लेवल्स दिए हैं, लेवल्स ऑफ द लंग्स, लंग्स के जो लेवल है उसके बारे में डिस्कस करना है थोड़ी। इन द प्रेजेंस ऑफ लो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड और पी पी सी ओ टू ऑफ द एल्यूवोलर एयर हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन रिकम्बाइन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड अंडर अ इन्फ्लुएंसेस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंड यील्ड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की यील्ड भी मिलती है। यहाँ देखो एच प्लस जो अभी पैराग्राफ में दिया है वही दिया है रिएक्शन के अंदर, एच प्लस एच सी ओ थ्री के साथ रिएक्ट होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेट है, यहाँ पर एच टू सी ओ थ्री मिल गया और कार्बोनिक अनहाइड्रेट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वहाँ पर फिर से मिलता है। ये सिंपल बात हमें यहाँ पर बताइए। अब यहाँ पर देखो हमें टिश्यू दिए हैं, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो H2CO3 मिलेगा, H2CO3 से HCO3 अलग बनेगा, H अलग बनेगा और ये H बाइंड होता है प्लाज्मा को, प्रोटीन प्लाज्मा को। उसके बाद जो HCO3 है बच्चों वो HCO3 क्लोराइड शिफ्ट के लिए हेल्प करेगा, और क्लोराइड और एच सी ओ थ्री दोनों आर बी सी के साथ आएंगे। उसके बाद रिएक्शन बनेगी, रिएक्शन यहाँ पर दिखाई देती है सी ओ टू एच टू ओ फास्ट कार्बोनिक अनहाइड्रेट यहाँ पर है, रिएक्शन थोड़ी फास्ट है, एच टू सी ओ थ्री और एच सी ओ थ्री प्लस एच हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ये सिंपल से रिएक्शन बताइए हमें। ठीक है, और एच एच बी फॉर्म होता है, इधर से देखो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, फिर एच बी है, एच बी सी ओ थ्री फॉर्म हो गया जिसे हम कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन कहेंगे, और इसी की वजह से हमें मिलता है एच एच बी। तो ये सिंपल रिएक्शन आर बी सी के साथ होती है, और बने वाला जो भी यहाँ पर फॉर्म है वो सीधा टिश्यू के अंदर आता है। ठीक है, तो ये बात हम वहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पर एक रिएक्शन दी है जो ऑक्सीजन को पिकअप करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी वहाँ पर पिकअप करती है टिश्यू से। उसके बाद हमें ऑक्सीजन पिकअप एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ये प्रोसेस देखना है जो लंग से रिलेटेड होती है। अब यहाँ पर O2 आया है बच्चों सीधा सीधा, ये O2 डिजॉल्व स्टेट में है प्लाज्मा के अंदर, और रिएक्शन O2 HHB HBO2 H वहाँ पर मिलती है, ये H चलता है आगे के रिएक्शन में, इधर से HCO3 आने वाला है, क्लोरीन भी वहाँ पर दिखाई देता है, रिएक्शन कंप्लीट होती है HCO3, H2CO3, फाइनली H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड आया वो सीधा वापस चले जाता है कहाँ पर, एल्वियोलाई की वॉल की तरफ, और एल्वियोलाई की वॉल से चले गया एल्वियोलाई के स्पेस के अंदर, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होता है बच्चों। अब बाय ये हो गया, तो उसके बाद देखो हमें रेड ब्लड सेल के बारे में देखना है, वहाँ से 23% ब्लड क्या होता है जो
ऑक्सीजन होता है वो कैरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 23% कैरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देख रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड टू द अमाइनो ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स अ लूजली बाउंड कंपाउंड एंड कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन इज फॉर्म। मींस जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, आरबीसी से बाइंड होता है और कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन वहां पर हमें दिखाई देता है। अब इतना तो हो गया बच्चों, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो गया, आरबीसी का तो अभी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाएगा तो कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है। अभी फर्स्ट अब देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है एचबी के साथ, तो वो दोनों का कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। उसके बाद जो मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा लो होता है अल्वियोलाई के रीजन के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होता है। यहाँ पर सिंपल सी बात बताई, देखो HbCO2, अगर इतनी रिएक्शन भी हमें याद रखते हैं तो ये पूरा पैराग्राफ हमारे समझ में आता है, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब देखो हमें सेलुलर रेस्पिरेशन दिया है, जो सेल के अंदर चलता है बच्चों। अब सेल के अंदर चलने वाला रेस्पिरेशन है तो उसे हम सेलुलर कहेंगे। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो इनसाइड द सेल होता है, और यहाँ पर फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, एटीपी जनरेट होती है, और इसी रिएक्शन को हम दो स्टेप्स के अंदर देख सकते हैं। उसमें से देखो जो फर्स्ट स्टेप दे वाली वो है ऑक्सीडेशन, सेकेंड है फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड into the simple organic compound molecule and releases the heat energy. Complex organic compound को break down करना है simple और inorganic compound के अंदर, और simple inorganic compound के अंदर अगर हम break down करते हैं तो देखो हमें heat energy release हुई नजर आती है। यहाँ पर C6H12O6 plus oxygen यानी कि 6O2 react होता है, 6CO2 and 6H2O हमें रिलीज हुआ नजर आता है, या फिर 6O2 और 6H2O मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और 686 कैलोरीज में एनर्जी भी वहां पर मिल सकती है। तो इतना वहां पर हो गया ऑक्सीडेशन के बारे में। फिर चलते हैं फॉस्फोराइलेशन के। अभी देखो फॉस्फोराइलेशन के ऊपर हमें शॉर्ट नोट आती है बच्चों। इसके अंदर क्या होता है, ट्रैपिंग इन्वॉल्व होती है एनर्जी हीट की, और एनर्जी हीट वहां पर ट्रैपिंग हो जाएगी तो हाई एनर्जी को बाउंड होता है एटीपी मॉलिक्यूल, और एटीपी जो है वो कैरी आउट होता है वाइटल लाइफ प्रोसेस के लिए, और वहां से हमें एनर्जी मिलती है तो उसे हम एनर्जी करेंसी कहेंगे सेल के लिए। एटीपी प्लस आईपी 7.3 कैलोरीज फॉर्म टू द एटीपी, मीन्स एडीपी आईपी अगर कंबाइन हो रहा है तो 7.3 कैलोरीज में एनर्जी लग रही है और एटीपी का मॉलिक्यूल वहां पर मिलता है। देन रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग हमें देखना है, ब्रीथिंग रेगुलेशन किस प्रकार की चलती है बच्चों। रेस्पिरेशन जो है वो डुअल कंट्रोल है, इसके अंदर नर्वस सिस्टम भी है और केमिकल वहाँ पर मैसेज भी है, तो दोनों सिस्टम के ऊपर चलती है, नर्वस और केमिकल सिस्टम के ऊपर। ह्यूमन अडल्ट के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर हमें 12 टाइम्स जो है वो रेट मिलता है ब्रीथिंग का, और न्यू बॉर्न के अंदर 44 टाइम्स मिलता है मिनट्स के अंदर। तो ये नॉर्मल ब्रीथिंग जो है वो इन्वॉलंट्री प्रोसेस है, और इसी इन्वॉलंट्री प्रोसेस को कंट्रोल करता है ब्रेन का पॉन्सा एंड मेडुला एरिया जो रेस्पिरेटरी सेंटर है बच्चों। अब इतना होने के बाद जो ब्रीथिंग है वो अभी देखो ये जो ब्रीथिंग है स्टूडेंट, तो इसी के अंदर देखो इट इज डिवाइड इंटू 3 ग्रुप्स, इसे हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक डॉर्सल ग्रुप दिया है हमें, उसके बाद इधर का पोर्शन दिया है जो न्यूरॉन एंड मेडुला पोर्शन होता है, जो डॉर्सल के अंदर न्यूरॉन एंड मेडुला जिसे हम इन रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर कहेंगे। वेंट्रोलैटरल ग्रुप ऑफ द नर्वस इन मेडुला जिसे इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सेंटर कहते हैं, एंड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर लोकेटेड इन द पॉन्स, पॉन्स के अंदर इतने सारे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखो प्राइमरी जो लिमिट है वो इंस्पिरेशन की स्लो होती है, और वेव स्लीप रैपिड आई मूवमेंट स्लीप इसके लिए वो हम देखते हैं। उसके बाद जो न्यूमेस्टिक सेंटर है बच्चों, वहां पर मेडुला और एंटागोनिस्टिक और न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी दिखाई देते हैं, और इतना होने के बाद ये कंट्रोल करते हैं रैपिड आई मूवमेंट को, स्लीप और वेक फुलनेस को, इन सभी को क्या करते हैं वो कंट्रोल करते हैं। ब्रेन दिया है,
यहाँ पर दिए हैं सेंटर, ये वाला एक हो गया ब्रीथिंग कंट्रोल सेंटर, ये वाला दूसरा हो गया ब्रीथिंग कंट्रोल सेंटर। दोनों को देखते हैं तो यहाँ पर पल्स एरिया है, मेडुला एरिया है, नर्व इम्पल्सिस जनरेट होते हैं, ट्रिकेट होते हैं और सीधा चलते हैं लंग्स की तरफ। लंग्स की तरफ आने के बाद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स भी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और न्यूमोनिक नर्व्स वहाँ पर हमें इसी साइड से ये मैसेज ट्रांसपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ से ब्लड सीधा चलता है हमारे लंग्स की तरफ और लंग्स से चलता है हर्ट्स की तरफ, उसके बाद बॉडी की तरफ वगैरह हमें देखना है तो सर्कुलेशन में देखेंगे। तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी लेवल है इसे हम क्या कहते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज होता है ब्लड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है तो डायरेक्टली एक्ट करता है और नर्व इम्पल्स जो है वो टू सेंसेसर और इनिशिएटिंग वो टू जो भी है उसका वो डिक्रीजेस फॉर्म में दिखाई देता है। तो ये चलता हुआ नजर आता है हमें रेस्पिरेशन के बारे में। अब हमें रेगुलेशन जो ब्रीथिंग है उसको थोड़ा डिटेल में देखना है। अब देखो जो इंस्पिरेशन होता है तो उसी टाइम लंग्स एक्सपांड होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स को और वहां पर एक्सपांड होने के बाद स्ट्रेच होता है रिसेप्टर, स्टिमुलेट करता है इम्पल्सिस को और सीधा सेंड करता है लॉन्ग द वेगस नर्व्स टू द रेस्पिरेटरी एक्सपायरेटरी सेंटर, मीन्स एक्सपायरेटरी सेंटर को वो क्या करता है सीधा लंग्स सेंड करता है इंपल्सिस को। उसके बाद इट देन सेंड टू द इनहिबिटरी इंपल्सिस, उसके बाद इनहिबिटरी इंपल्सिस भी वहां पर सेंड होते हैं और इंस्पायरेटरी सेंटर वहां पर हम इनहिबिटरी इंपल्सिस के साथ देखते हैं। उसके बाद हमें इंस्पायरेटरी मसल जो है वो रिलैक्स हुए नजर आते हैं और एक्सपायरेशन पूरा फॉलस होता है। देयर स्टूडेंट एयर जो है वो लीव्स और लंग्स ड्यूरेशन में एक्सपायरेशन के फॉर्म में आती है और लंग्स deflected to the stretch receptors are longer stimulated, lungs वहाँ पर longer stimulated होते हैं। इसी inspiratory center से हमें longer जो है inhibition नहीं दिखाई देता है और new respiration begins भी होता है। तो इसी events को हम क्या कहेंगे herring bearer reflex कहेंगे, ठीक है। उसके बाद herring bearer reflex जो है वो control करता है depth को और rhythmic respiration को और also prevent to the lungs in लंग्स इन्फ्लुएटिंग टू द पॉइंट ऑफ द ब्रस्टिंग, मीन्स जो भी पॉइंट है ब्रस्टिंग का उसे भी वो क्या करता है तो प्रिवेंट करता है। तो ये हो गया हमारा इतना स्ट्रक्चर। उसके बाद हम चलते हैं रेस्पिरेटरी से जो भी स्ट्रक्चर है तो रेस्पिरेटरी सेंटर का कनेक्शन जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कनेक्शन रहने की वजह से वहाँ पर वॉलंटरी चार्ज जो है वो पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग का हमें थोड़ा दिखाई देता है और वॉलंटरी कंट्रोल भी वहाँ पर प्रोटेक्टिव होती है बिकॉज वहाँ पर इनेबल होता है प्रिवेंट वाटर एंड इरिटेशन गैसेस, ठीक है, इनके एंट्रिंग का। और यहाँ पर जो लंग्स है वो लंग्स वहाँ पर प्रॉपरली हमें वर्क करते हुए देखते हैं। देन एबिलिटी जो है स्टूडेंट वो स्टॉप ब्रीथिंग की भी है और लिमिटिंग डेड बाय द ब्यूट अप टू द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ब्यूट करने की भी एबिलिटी वहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो इतना हम बता सकते हैं। उसके बाद हमें मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट दिए, जो मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट है वो क्या है बच्चों वो देखेंगे। जो मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट है वो हमें इस टाइम एग्जाम में नहीं लिखना है तो हम चलते हैं सीधा 8.6 की तरफ बच्चों, जिसे कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे। तो ये पॉइंट देखेंगे हम सीधा। अब यहाँ पर हमें एक टेबल दिए है और लिस्ट दिए है कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की और उसके सिम्टम्स भी दिए है और कॉजेस दिए और ट्रीटमेंट भी दिए है। तो सबसे फर्स्ट दिया है इम्फैसेमा। इम्फैसेमा के सिस्टम क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, ये ब्रेक डाउन करता है एल्यूओलाई के शॉर्टेस्ट वॉल को और ब्रेक डाउन करता है एल्यूओलाई के वॉल को, तो इसलिए शॉर्टेस्ट ब्रीथ वहाँ पर होती है और स्मोकिंग एयर और पोल्यूशन दोनों से भी वो वहाँ पर दिखाई देते हैं। ट्रीटमेंट है क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग बंद करना, उसके बाद अवॉइड पोल्यूटेड एयर, एयर को अवॉइड जो भी है पोल्यूटेड एरिया वहाँ पर अवॉइड करना, उसके बाद डायमिस्टर ऑक्सीजन जो है वो रिलीव सिम्टम्स होता है तो वो भी वहाँ पर ऑक्सीजन यूज करना और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दिया है जो कफिंग और शॉर्टनेस इन ब्रीथिंग करता है स्मोकिंग और एयर पोल्यूटन से होता है, स्मोकिंग क्विट करना, अवॉइड करना पोल्यूटेड एयर को और मुंह होना वेयरमर के तरफ और पॉसिबली हम यहाँ पर ड्रायर क्लाइमेट में भी रह सकते हैं।
उसके बाद एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, यहाँ पर इंफ्लामेशन होता है, ब्रोंकिस के अंदर शॉर्ट ब्रीथ होती है और येलो म्यूकस कफ के अंदर दिखाई देता है। ये वायरस और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसके लिए एंटीबायोटिक और कुछ कफ मेडिसिन हम लेते हैं, वेपराइजेशन भी वहाँ पर ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद सिंसिटिस दिए गए हैं, ये इन्फ्लामेशन करता है सिंसेस के अंदर और म्यूकस डिस्चार्ज करता है। उसके बाद वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया जो है वो कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबॉडीज दे सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं और डायग्नोस्टिक्स के लिए हम वेपराइजेशन भी वहाँ पर ले सकते हैं। तो इतना वहाँ पर हमें डिसऑर्डर्स के बारे में पता चला। उसके बाद स्टूडेंट लैरिंग्स के लिए भी कुछ डिसीज दिए हैं, जो लैरिंजिस्ट है बच्चों। अब देखो जो लैरिंजिस्ट है वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है और लैरिंग्स के पास और वोकल कॉर्ड के पास भी, और शोर होता है थ्रोट के अंदर। उसके बाद हार्सनेस आता है वॉइस के अंदर और म्यूकस ब्यूल्ड होता है कफ के साथ। तो इसी तरह से वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, उसे कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स, कफ मेडिसिन और वॉइस रेस्ट हम ले सकते हैं। इरिटेशंस अवॉइड करने के लिए हम स्मोक के कॉन्टेक्ट में जो है वहाँ नहीं जा सकते। उसके बाद निमोनिया इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन होने के बाद जो भी माइल्ड सर्व है वो कफ, फीवर, शॉर्टनेस, ब्रीथ, चील्स, उसके बाद स्वेटिंग, चेस्ट पेन, ब्लड के अंदर म्यूकस आना, ये सभी सिम्टम्स वहाँ पर दिखते हैं। ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है बच्चों, इसके अंदर सीधा सीधा कंसल्ट होते हैं, फिजिशियंस से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और इमिडिएटली हम एंटीबायोटिक्स और कफ मेडिसिन जो है लेना ज़रूरी होते हैं, और वार्म एरिया में रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ हो गए वहाँ पर ट्रीटमेंट्स के बारे में। उसके बाद अस्थमा दिया जाए, कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट। अस्थमा जनरली कंस्ट्रक्शंस ऑफ द ब्रोंकियोल्स और म्यूकस बिल्डअप करता है, और ब्रोंकियोल्स के अंदर पीरियोडिक वीजिंग भी आती है और डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग के अंदर। एलर्जीज और जो भी एलर्जन है, पोल्यूशन फॉर्म करने वाले जिसके अंदर पोलन को लेते हैं, कुछ फूड्स को लेते हैं, कुछ फूड्स एडिटिव्स को लेते हैं और पेट हेयर्स को भी लेते हैं, तो ये वहाँ पर क्या करते हैं, अस्थमा फॉर्म करते हैं। उसके लिए हम इरेशंस यूज़ करते हैं और ओपन पैसेज वे है जो अवॉइड इरेशंस करने का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसको हम सिल्कोसिस के नाम से भी जानते हैं या फिर एबेस्टोसिस भी कहेंगे हम। तो इसके अंदर ये दोनों भी सिल्कोसिस और एबेस्टोसिस दिखाई देते हैं हमें। अब यहाँ पर देखो इन्फ्लामेशन होता है, फाइब्रोसिस होता है और लंग डैमेज होते हैं। लंग्स जो है स्टूडेंट वो एक्सपोजर टू द डस्ट, अगर डस्ट के कॉन्टैक्ट में आ गए तो, उसके बाद पार्टिकल सिलिका के वहाँ पर डिपॉजिट हुए तो या फिर सेटल हो गए तो, और एब्स्टोसिस पार्टिकल भी वहाँ पर अगर सेटल होते हैं तो ये डिसऑर्डर दिखता है। ये प्रोटता है हमारे लंग्स को मास्क के वजह से, यानी कि हम इसे अवॉइड करने के लिए मास्क यूज कर सकते हैं और गियर ड्राइविंग वर्क भी वहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन क्या होता है बच्चों? आर्टिफिशियल वेंटिलेशन यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है, और ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन नॉर्मल ब्रीथिंग या फिर नॉर्मल रेस्पिरेशन प्रॉपरली नहीं चलने की वजह से आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो कंडीशंस पेशेंट्स को डेथ की तरफ ले जाते हैं स्टूडेंट, लेकिन डेथ से प्रिवेंट करने के लिए इसी वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम क्या होता है, जो नेचुरल रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो अगर स्टॉप होती है या फिर प्रॉपरली नहीं होती है तो उस टाइम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दिया जाता है, और यही आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है कुछ इवेंट से वहाँ पर होती है। जैसा यहाँ पर दिए वाला है, ड्रबिंग का प्रोसेस है, चोकिंग का प्रोसेस है, सोफोनिकेशन है, इलेक्ट्रिक शॉक है, तो इसी प्रकार के कुछ अगर एक्सीडेंटल इवेंट्स होते हैं तो उसी एक्सीडेंटल इवेंट्स की वजह से प्रॉपरली या फिर नेचुरली रेस्पिरेशन होना ये वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। तो उस टाइम पेशेंट को डेथ से प्रिवेंट करने के लिए आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की बहुत ज़रूरी होती है बच्चों। अब आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दो प्रोसेस से दिए जाते हैं, जैसा कि एक माउथ टू माउथ दिया जाता है और दूसरा मैकेनिकल प्रोसेस से भी दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें वेंटिलेटर दिया है। अब एक्चुअली वेंटिलेटर क्या है, तो वेंटिलेटर एक मशीन है बच्चों, और इसी मशीन्स को हम हॉस्पिटल्स के अंदर देख सकते हैं। तो इसी मशीन्स को बेसिकली यूज किया जाता है ड्यूरिंग टू द सर्जरी ट्रीटमेंट्स ऑफ द सीरियस लंग्स डिसीजेस
और कुछ कंडीशन से जो नॉर्मल ब्रीथिंग को फेल करते हैं, तो उस टाइम इसी मशीन्स को यूज़ किया जाता है, और इसी मशीन से आर्टिफिशियली भी वहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो उसे हम वेंटिलेटर कह सकते हैं इसी मशीन को। अब वेंटिलेटर्स के क्या वर्क है, उसकी की क्या ज़्यादातर फंक्शन है, तो फर्स्ट वाला फंक्शन जो दिया है गेट ऑक्सीजन इन द लंग्स, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन वहाँ पर देना। दूसरी बात है रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, और हेल्प द पेशेंट ब्रीथ, पेशेंट को ब्रीथ के लिए हेल्प करना, ये भी उसी का वर्क होता है। अब उसके बाद स्टूडेंट देखो हमें एक सिंपल सा पॉइंट दिया है और बहुत इंटरेस्टेड पॉइंट है, जिसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें ट्रांसपोर्टेशन देखना है। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सभी दिखाई देते हैं, तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स को कुछ इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स की जरूरत होती है, कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल की जरूरत होती है, और उन्हीं मटेरियल को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ट्रांसपोर्ट जब इस मटेरियल को किया जाता है, तो इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या फिर सेल टू ऑर्गन भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या फिर एक ही सेल के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन चलेगा। तो इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो है मटेरियल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, या फिर ऑक्सीजन का, या फिर कुछ गैसेस का करना जरूरी होता है। तो ये जो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन, और कुछ मटेरियल का या फिर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमें कुछ मेथड्स दिए। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे हम ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ट्रांसपोर्ट करना भी जरूरी होता है। तो उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम दिए वाली है, लेकिन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसी सर्कुलेटरी सिस्टम को जब हम देखते हैं, तो हमें हायर एनिमल्स के अंदर ये पॉसिबली एक्सप्लेन करते आती है, लेकिन बच्चों जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है उन्हीं के अंदर ये प्रॉपरली हमें एक्सप्लेन करना नहीं आता है। तो इसलिए जो सर्कुलेशन चलता है, जो भी वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चलता है, तो उसी की वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी पॉसिबल होते हैं। तो इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी पॉसिबल होते तो बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल वहाँ पर जनरेट होते हैं, उन्हें भी इलिमिनेट करना होता है, और ये इलिमिनेट करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस ही रिस्पॉन्सिबल है। अब ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, तो इसे देखेंगे। वो सिंपली डिफ्यूजन से हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से भी हो सकता है। अगर डिफ्यूजन से हो सकता है तो वहाँ पर एनर्जी नहीं लगेगी, एक्टिव से होता है तो एनर्जी लग सकती है, ठीक है। अब इसी मैकेनिज्म को देखते हैं, तो अगर हम सिंगल बॉडी के या फिर सिंगल सेल के बारे में सोचेंगे, फर्स्ट सिंगल सेल के बारे में सोचेंगे, तो वहाँ पर साइक्लोसिस होता है बच्चों। साइक्लोसिस यानी कि एक सिंगल सेल है, उसी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही यहाँ से वहाँ तक मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो उसे साइक्लोसिस कह सकते हैं। इसी प्रकार की जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, उसे हम साइक्लोसिस कहते हैं, जो सिंगल सेल के अंदर होती है। एग्जाम्पल हमें पैरामिशियम दिया है, अमीबा का एग्जाम्पल दिया है, रूट हेयर्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो इन्हीं के अंदर जो मूवमेंट होती है आयंस की, मूवमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, मूवमेंट होती है फूड मटेरियल की, तो वो सीधा एक ही साइटोप्लाज्म मटेरियल के अंदर होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोसिस कहेंगे। अगर डब्ल्यूबीसी के बारे में देखेंगे तो हमें उसी प्रकार के साइक्लोसिस दिखाई देती है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। उसको जब हम डिटेल में देखते तो हमें पता चलता है ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन है बच्चों, इसे हम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं। जो अदर ऑर्गेनिजम्स है, जैसा कि स्पॉन्जेस है, सिलेटेटस का एग्जांपल हम लेते हैं, तो इन्हीं के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर जो सर्कुलेशन चलता है, तो वो सर्कुलेशन सीधा बॉडी कैविटी से चलता है, और बॉडी कैविटी से अगर सर्कुलेशन चलता है तो वहाँ पर वाटर सिस्टम है और वाटर वहाँ पर सर्कुलेट होता है। प्लेटफॉर्म्स के अंदर देखेंगे तो वहाँ का पैरेन्काइमल सर्कुलेशन है, और ये पैरेन्काइमल सर्कुलेशन जो है वो फ्लैटवर्म बताता है। राउंड वर्म के अंदर होने वाला सर्कुलेशन, वहाँ पर किसी प्रकार के बॉडी वेसल्स नहीं है या फिर ब्लड वेसल्स नहीं है, और ये ब्लड वेसल्स नहीं रहने की वजह से जो बॉडी फ्लूड है बच्चों वो मूव होता है विसेरा के अराउंड में, और विसेरा के अराउंड में मूव होता है, तो विसेरा कॉन्सेंट्रेशन जो और बॉडी वॉल जो है और मसल्स जो है इन्हीं के अंदर वहाँ पर मूवमेंट चलती है, और इन्हीं के अंदर एक्सचेंज चलता है आयंस का, एलिमेंट्स का, और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स का, तो इसे भी हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसे एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट भी हम कह सकते हैं। तो ये दो बातें वहाँ पर हमें बताइए। अब इतना होने के बाद हमें सर्कुलेटरी सिस्टम देखना है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम नेक्स्ट
वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है।